वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम यूपीएल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो यूपीएल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यूपीएल ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन 809.75 पे क्लोजिंग दी थी, तकरीबन 80% अप यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। 6 पॉइंट की रैली भी यूपीएल ने की थी। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा जाए तो इंसेप्शन डाटा है, आरओई वर्सेस एफडी रेट भी की बात की जाए तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न देता है यूपीएल स्टॉक। डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं देता है पर एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। नो रेड फ्लैग्स पाउंड आने के स्टॉक जीएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है और तकरीबन प्रोमोट होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेस भी नहीं, जो कि बढ़िया बात है। तो यहाँ पे लार्ज कैप का स्टॉक है, तकरीबन फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स में मुड़ता है और रिस्क देखी जाए तो लो रिस्क का स्टॉक है, करंटली देख सकते हो एक अच्छा स्टॉक है। न्यूज़ की भी बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे कोई नहीं है यूपीएल स्टॉक के लिए, तकरीबन 1 वीक एगो की न्यूज़ है। पर करंटली यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो 61,869 करोड़ की है, करंट प्राइस देख सकते हो 810 है, 52 वीक लो 52 वीक हाई भी देख सकते हो। और स्टॉक का पी देखा जाए तो 17.9, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा पी रेशियो, बुक वैल्यू है 273 का और डिविडेंड यील्ड 1.23% का। तो आरओसी भी अच्छा है 13.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का, फेस वैल्यू ₹2 का है। और कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है कर्जा है 24,413 करोड़ का है डेप्ट यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो तकरीबन 3,310 करोड़ का है, थर्ड क्वार्टर तक का यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो चुका है। ईपीएस है 43.3 का है, सेल्स कंपनी के 43,000 करोड़ के ऊपर चले गए थे और टोटल एसेट है 68,000 करोड़ के ऊपर। प्रोमोटो होल्डिंग भी देख सकते हो कि 28.2% की है और उसमें शेयर्स प्लेस नहीं, एक साल में 27% से ज़्यादा रिटर्न अभी तक दिया है यूपीएल स्टॉक ने। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यूपीएल स्टॉक के लिए।